हाँ जी दोस्तों, आपां अज चले कसौली। तो कसौली आपां जरा एक्सप्लोर करांगे, किड़िया किड़िया चीज़ां देखने वाली देखांगे, कोशिश करके अगर कर हुई है ना। बाकी यह जे आपां पंजाब तो उपर आ गए हैं, ठीक है जी। वैसे तो शिमले वाला रोड बहुत वधिया बनया होया, अगे शायद जाके सिंगल हो जाता धर्मपुर तो। लो जी असी पहुँच गए चर्च, कसौली का चर्च। अंदर फोटोग्राफी वैसे मना की हुई है जी, बटे लो यो है फैमिली अपनी। हाँ जी हेलो भाई, देख लो चर्च इन्ना जरूर है भी कसौली ठंडा है, देखने तो शायद इतने कुछ हो भी ना हो। बाकी जो भी है ना ग्रीनरी है इतों, अगर कसौली आना हो एक टोल लगता पिछे, तो एंट्री हैगी 130 रुपये एंट्री है 4 घंटे लई। अपने ये पार्किंग है सामने, इतने 4 घंटे, उस तो बाद तुसी होटल लो, होटल फिर थोड़ी पार्किंग का एक्सट्रा चार्ज नहीं लगेगा, नहीं तो पर आवर 20 रुपये लगते हैं। जेडे कैसे हो प्रभु, खुश हो कसौली में आए हो आप? क्या बढ़िया लगा अभी तक आपको? अभी आए हैं, आपको क्या बढ़िया लगा यहाँ पे? ओके आपको ठंडा ठंडा मतलब कोका कोला? ओके लो जी, सह नहीं लगता वैसे, प्रैक्टिस करी होनी चाहिए कहते। अगर तुसी कसौली सनसेट व्यू देखना, पॉइंट देखना और उपर है जाके, हजे पिछे असी छड्डिया जिहड़ा मनकी पॉइंट है वह असी छड्डिया है देखने तो, क्योंकि उत्थे फोन जिहड़ा जमा करा दिंदे मेरे ख्याल च एयरफोर्स एरिया, इस करके असी उह छड्डिया पिछे। हुण इधर नूं जा रहे हैं, देखते हैं, हवा बहुत चलती है और जो कह लो भी कूल एरिया ठंडा। हाँ जी हवा देखो कितनी जल्दी है। भाई जी फुल जूम करके वीडियो है, बहुत बैठे पर भाई। हाँ जी दोस्तों लोग कसौली भी घूम ले, ये वीडियो मैं बाद चो बना रहा असल च, पहली भी तो होने वाली भी कसौली भी घूम ले। तो कसौली दे विच देखण योग जिहड़ियां चीज़ां कहने हैं, एक तो हैगा मनकी पॉइंट असी मतलब नहीं गए, कुछ टायर्ड सीगे थके हुए सीगे, तो दूजा फिर की सीगा उत्थों मतलब तुसी एयरफोर्स एरिया जिथे मनकी पॉइंट अंबर शिव जी का मंदिर है, तो उतों तुम कुछ भी लैके नहीं जा सकते, 700-800 मीटर के करीब कहने उपर चढ़ना पैंदा चढ़ाई, तो लैके की नहीं जा सकते कोई भी इलैक्ट्रिकल समान, वही मतलब जिदे थोड़ा फोन हो गया, पेन ड्राइव होगी, कोई कैमरा हो गया, कुछ भी नहीं लैके जा सकते क्योंकि एयरफोर्स एरिया है, इस करके उतो लैके नहीं जा सकते। तो फिर असं उ नहीं भी गए, पर फिर असी गए सी, एक हैगा अपना सनसैट पॉइंट,
ਜਿੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੂਰਜ ਛਿਪਦਾ ਦਿਖਦਾ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦਿਨ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹਵਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਐਨ ਕੂਲ ਏਰੀਆ, ਸ਼ਾਂਤ ਏਰੀਆ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਸੌਲੀ ਜਾਣਾ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਪੈਸਟ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਸੌਲੀ। ਰਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਦਿਨ ਦਿਨ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਸ਼ਾਮੀ ਮੁੜ ਆਏ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਕਹਿ ਲਓ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪੰਜੌਰ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਘੰਟਾ ਲੱਗਦਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ, ਡੇਢ ਦੋ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਰਸਤਾ ਵਧੀਆ ਹੈਗਾ ਏ, ਧਰਮਪੁਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੋਂ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਊਟਡੇਟਸ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਰਸ਼ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਰਸ਼ ਕੋਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰਸ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ ਬਹੁਤਾ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤਾ ਘੁੰਮੇ ਫਿਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਪਲੈਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ 2-3 ਦਿਨ ਦਾ ਪਲੈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਆ ਉੱਥੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਰਚ ਸੀਗਾ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਚਰਚ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ, ਜੋ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਜੋ ਰੂਲਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰੂਲਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਚਰਚ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਸੀਗਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਆਲ ਗੁੱਡ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਨੋਟ ਬੈਡ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਹਿੱਲ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਸਿਰਫ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ, ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਸੌਲੀ ਵੀ ਵਧੀਆ। ਬਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਥੈਂਕਸ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇਣ ਲਈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੁਲਵੀਰ ਕਾਜਨਰ, ਓਕੇ ਜੀ।